हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन। सीईएस मींस कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया गया था सोलो के द्वारा और बाद में पॉपुलराइज हुआ इसके नाम से एरो, चेनरी और मिन्हास के साथ। अब हम देख लेते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन और सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। इस फंक्शन में, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ए जो है वो डिनोट करता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, अल्फा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड बीटा शो करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, एंड अल्फा प्लस बीटा जो है बताते हैं डिग्री ऑफ होमोजेनियटी। अब अगर अल्फा प्लस बीटा जो है ग्रेटर देन वन होगा तो ये शो करेगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू वन है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को बताएगा, और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को बताएगा। अब सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, या फिर ए अल्फा के की पावर रो प्लस वन माइनस अल्फा एल की पावर रो, और होल फंक्शन की पावर जो है वो हो जाएगी म्यू अपॉन रो। अब यहाँ पे ए जो है, ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है फैक्टर प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी पैरामीटर को शो करता है। अल्फा एंड वन माइनस अल्फा जो है शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर को बताता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर भी कहा जाता है। म्यू शो करता है डिग्री ऑफ होमोजेनियटी या रिटर्न टू स्केल भी कह सकते हैं, रो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को बताता है, और सिग्मा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है। म्यू जो कि डिग्री ऑफ होमोजेनियटी या रिटर्न टू स्केल को बताता है, तो अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को बताएगा, अगर म्यू इक्वल टू वन है इट मींस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और म्यू की वैल्यू अगर लेस देन वन है तो इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहा जाएगा, या फिर कई बार माइनस म्यू दे रखा है इसका मतलब भी क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में म्यू जो है वो माइनस में है तो माइनस का मतलब ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को बताएगा। अब हमारे पास सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन जो है, हमारे पास ये गिवन है, और इस फंक्शन में जो सिग्मा है वो किसको डिनोट कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, और रो जो है किसको शो कर रही है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 upon 1 minus rho। अब ये हमारे पास अगर रो की वैल्यू ही माइनस में हो, जैसे ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पे रो देखिए, रो की वैल्यू किसमें है, माइनस में है दोनों जगह, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 1 upon 1 plus rho हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास रो की वैल्यू माइनस में गिवन है तो 1 upon 1 plus rho प्लस करके हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर रो की वैल्यू प्लस में गिवन है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 upon 1 minus rho।